ये थायराइड इम्बैलेंस काफी ज्यादा लोगों को होने लगा है। देखिए, हमें इसे समझना होगा। आप जिसे थायराइड कह रहे हैं, योग में हम इन ग्रंथियों को इस तरह से नहीं देखते, लेकिन मेडिकल दृष्टि से आप जिसे थायराइड कह रहे हैं, वो आपके भीतर एक ऐसा सिक्रीशन या स्राव है जो आपके सिस्टम को कैलिब्रेट करता है हर रोज। ये तय करता है कि कितना पाचन होना चाहिए, कितनी ऊर्जा पैदा होनी चाहिए, कितना फैट पैदा होना चाहिए, कितनी मांसपेशी बननी चाहिए, हर चीज। ये आपकी शारीरिक संरचना को संतुलित करने की कोशिश करता है। आपके शरीर की संरचना आपकी मनोवैज्ञानिक संरचना से गहरा संबंध रखती है। आज आपको ये दिखाने के लिए पर्याप्त प्रमाण मौजूद हैं कि अगर आप यहां बैठकर पहाड़ के बारे में सोचते हैं तो आपकी ग्रंथियां एक तरह से काम करेंगी। अगर आप शेर के बारे में सोचते हैं तो ये किसी और तरीके से काम करेंगी। अगर आप समुद्र के बारे में सोचते हैं तो ये किसी और तरीके से काम करेंगी। अगर आप किसी आदमी या औरत के बारे में सोचते हैं तो ये किसी और तरीके से काम करेंगी। बस एक विचार और कुछ नहीं। पहाड़ से कोई संपर्क नहीं, शेर से कोई संपर्क नहीं, आदमी औरत या समुद्र से कोई संपर्क नहीं। बस एक विचार ही ग्रंथियों के काम में उतार चढ़ाव ले आएगा। मैं कह रहा हूं कि ये सिस्टम इतना शानदार और सटीक है कि ये आपको अच्छी हालत में रखने के लिए हर चीज को संतुलित करने की कोशिश कर रहा है। आपके साथ समस्या ये है कि आपको एक बैलगाड़ी चाहिए, क्योंकि आप वो खोई हुई कड़ी हैं। आपको बैलगाड़ी चाहिए, लेकिन उन्होंने आपको एक शानदार अंतरिक्ष यान दे दिया। ग्रंथियों के बहुत ही परिष्कृत कार्यों में से एक चीज है थायराइड। ये आसानी से पता चल जाता है। सबसे पहले आपके शारीरिक और मनोवैज्ञानिक पैरामीटर सामान्य से थोड़े बदल जाते हैं गड़बड़ी की वजह से, और दूसरा आयाम उस गड़बड़ी का जो आपके भीतर से हो रही है, आपके खुद के मनोवैज्ञानिक पैटर्न। गड़बड़ी का एक और आयाम यह है कि आपके भीतर किस तरह का भोजन जा रहा है। आज आप ऐसी कोई चीज नहीं खा सकते जो रासायनिक तौर पर प्रदूषित ना हो। अगर आप काफी ऑर्गेनिक भोजन खा रहे हैं तो बस वो ऑर्गेनिक केमिकल्स इस्तेमाल कर रहे हैं। हालात ऐसे हो गए हैं। कुछ ऐसा खाना बहुत मुश्किल है जो किसी जंगल में उगा हो और आप बस उसे तोड़कर खा सकें। ऐसा बहुत बहुत कम होता है। ऐसे लोगों का प्रतिशत न के बराबर है जो उस तरह की चीजें खा सकें। अब सब कुछ बाजार से आता है और बाजार में सब कुछ ज्यादा मात्रा से तय होता है, न कि क्वालिटी से। और ये भी, इस देश में ये सारी चीजें अब खत्म हो गई हैं। खैर, आप अपने शहर को छोड़कर जंगल में रहने नहीं जा सकते, आप अपने माहौल को छोड़कर दूर नहीं जा सकते। आपको कम से कम खुद को इतना सक्षम बनाना होगा कि उन चीजों का आप पर ज्यादा असर ना हो। वैसे भी इनका असर तो होगा, लेकिन सवाल है कि कितना कितना असर होगा। कम से कम अपने घर में, अपने आसपास कुछ पौधे लगाइए। अगर खुली जगह ना हो तो अपने कमरे में ही लगा लीजिए। हो सकता है कि यह थोड़ा अजीब लगे, आधी छत को खोल दीजिए। अरे लेकिन सदगुरु, ऊपर एक और मंजिल है। ठीक है, एक दीवार हटा दीजिए ताकि आपको थोड़ी सूरज की रोशनी मिले। हाँ, ऐसा ना हो कि घर हर तरफ से बंद हो और हर समय बस एक एसी बर्र करता रहे। ये भी एक चीज है। आपके आसपास मौजूद ध्वनियों की गूंज इस शरीर को पूरी तरह से झकझोर रही है, हर समय बर्र। ज्यादातर लोग इसके प्रति जागरूक नहीं है, लेकिन ये उनके साथ हो रहा है। उनके दिन में 8 घंटे सोने से ये साफ साबित होता है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो अपने प्राकृतिक वातावरण में नहीं रह रहे। वो सोकर खुद को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो खुद को बीमारी से बचाने के लिए, खुद को मानसिक रोगों से बचाने के लिए, खुद को हर तरह के असंतुलन से बचाने के लिए आप दिन में 8-10 घंटे की नींद लेते हैं। यानी आधा जीवन आप मरे पड़े रहते हैं। मौत हमेशा एक आसान हल होती है, लेकिन हमें ऐसा हल नहीं चाहिए। हम जीवन के हल को खोज रहे हैं, अंत के हल को नहीं।
किसी चीज का अंत करना उसका हल होता है ना? हल है या नहीं? हल है, लेकिन हमें वैसा हल नहीं चाहिए। हम यहीं रहना चाहते हैं जिंदा और पूरे हल के साथ। तो अगर ऐसा होना है तो आप, शायद आप थोड़े अजीब लगें, मुझे भी आप अजीब लगेंगे, लेकिन आप जहां सोते हैं वहां कुछ पौधे लगा कर रख सकते हैं। जब आप चलते हैं तो आपको इंसानों के अलावा दूसरे जीवनों के प्रति हमेशा जागरूक रहना चाहिए। ज्यादातर लोग इंसानों के प्रति ही जागरूक नहीं होते, तो मैं आपको याद दिला रहा हूँ, आपको हर उस चीज के प्रति जागरूक रहना होगा जो जीवित है। एक पेड़, एक पौधा, एक घास का तिनका, एक कूदता हुआ टिड्डा, और आपके पास से गुजरने वाले वो लोग जिन्हें आप पसंद नहीं करते। हर तरह की चीजें, हर चीज के प्रति आपको जिंदा होना चाहिए। वो ये बोलने की जरूरत नहीं है, ओ मुझे इस पेड़ से प्यार है। आपको पेड़ से प्यार करने की जरूरत नहीं है, आपको उससे पोषण लेना होगा। जीने का केवल यही तरीका है, आप पसंद करें या ना करें, वो अभी आपको पोषण दे रहा है। अगर आप ये सचेतन होकर करते हैं तो हर चीजें बेहतर काम करेंगी। अपने आसपास की हर चीज के प्रति जीवंत होना, बिना किसी भेदभाव के, ऐसी साधारण चीज आपके थायराइड की समस्या को संतुलित कर सकती है। ऑफ कोर्स, बेशक सुबह हठ योग तो है ही, क्रियाएं भी हैं, ये सभी चीजें निश्चित रूप से मदद करेंगी, और शक्तिशाली रूप से प्राण प्रतिष्ठित स्थान भी हैं। हम असल में ग्रंथियों की कई तरह की गड़बड़ियों की बात कर रहे हैं। शरीर से काम लेना एक आसान समाधान है। शरीर से काम लेना, यानी जो लोग न्यूयॉर्क में रहते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, काम लेने का मतलब ये नहीं कि आपके पास कलाई पर वो हेल्थ बैंड है। 10 steps, 12 steps, ऐसा मत कीजिए। ये शरीर से काम लेने का तरीका नहीं है। ऐसा करने से बीमार पड़ने की संभावना ज्यादा है। बस यूं ही खुशी के साथ कुछ कीजिए, खुश और जिंदा रहिए। काम तो सिर्फ, अगर आप ये नहीं जानते कि यहां बैठे बैठे पूरी तरह से जिंदा कैसे रहना है, तो जाकर कुछ खेलिए, कोई खेल खेलिए, बस यहां वहां दौड़िए, चलते समय टिड्डे की नकल कीजिए, कोशिश कीजिए, क्यों नहीं, आपने कभी किया नहीं, आपके साथ यही तो समस्या है। जब आप जाएंगे तो मैं देखना चाहता हूं कि, चूंकि आप घास पर चलने जा रहे हैं, बेहतर होगा कि आप टिड्डे की तरह चलें। चुक 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 चुक। आप देखेंगे आपके अंदर कितनी जीवंतता आ जाएगी। Essentially, मूल रूप से आपकी बुनियादी समस्या ये है कि आप अपने जीवन के बारे में कुछ ज्यादा ही गंभीर हो गए। तो हमें आपको दोबारा याद दिलाना होगा कि वैसे भी आप मर जाएंगे, तो इस बारे में इतना गंभीर मत होइए, क्योंकि इसे खत्म होने में समय नहीं लगेगा। आपको पकड़ ढीली करनी होगी। अगर अभी आप पकड़ ढीली कर देते हैं तो आखिरी सीन अलग हो सकता है, वरना लोग आपको देखेंगे, आपके साथ होने वाली ये बहुत बड़ी बात होगी, आपने पकड़ ढीली कर दी। अभी से अगर आप पकड़ ढीली कर दें तो आप देखेंगे कि आपका जीवन बहुत शानदार होगा।